डांस कर लो थोड़ा जाओ। आ गया हमारा सारा फूल घर, और ये मैडम को फूल लगाना था। खाली है बोलते, बना तो ठीक है लेकिन मेरे से ज्यादा टेस्टी। अच्छा। हमारी भाई चिली पनीर और हमारी पत्नी महारानी की कहानी। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं हम आपका नए ब्लॉग में। इस नए ब्लॉग की शुरुआत करने से पहले कहना चाहेंगे, अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, ये रही हमारी इंस्टाग्राम की आईडी, आप यहाँ पर फॉलो कर लीजिए। वहाँ पर हम डेली लाइव आते हैं और आप सबसे ढेरों बात करते हैं। तो जी शुरुआत करते हैं इस नए ब्लॉग की। मंदिर, आज मेरे देवर जी का बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आपको। अगर आप वीडियो, हैप्पी बर्थडे मोनू जी। मेरे छोटे भाई का नाम मोनू है, और आप में से बहुत लोग कमेंट करके पूछा भी करते थे कि आपके भाई नहीं है क्या, वो कभी दिखते ही नहीं। जी मेरा भाई है, एक छोटा भाई है। मेरे भाई का जन्मदिन है आधे तारीख 3 दिसंबर, और साथ में मेरे जीजा जी का भी जन्मदिन है। तो हैप्पी बर्थडे जीजा जी। जी जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि कोई भी इम्पोर्टेंट ओकेजन आता है हमारे घर में, तो हम सभी उस अवसर पर मंदिर जाते हैं। तो आज हम जा रहे हैं मंदिर। माँ जब भी रहती है तो माँ जाती है यहाँ के काली मंदिर। तो माँ इस बार तो है नहीं, वह ड्यूटी अलग सिटी में, उनका ट्रांसफर हो गया। आज फोन किया कि तुम लोग काली मंदिर जरूर चले जाना, तो हम लोग जा रहे हैं काली मंदिर। अभी कुछ हमने खाना भी नहीं खाया है, तो पहले पूजा कर लेंगे, उसके बाद कुछ काली मंदिर। और अब यहाँ पर देख रहे हैं मंदिर बंद है फाटक, तो इंतजार कर रहे हैं कि पंडित जी आ जाए तो फिर पूजा कर ले, नहीं होगा तो बाहर से ही प्रणाम करके और किसी और मंदिर में प्रसाद चढ़ा देंगे। पंडित जी तो मिले नहीं, तो हम लोगों ने वैसे ही माता का आशीर्वाद ले लिया, और अब चलते हैं दूसरे मंदिर, वहां पर प्रसाद चढ़ा देंगे। फिर जी हम आगे से मंदिर कटिहार का लगभग जिया को सारा मंदिर घुमा चुके हैं। बस यही बाकी था, आज ये भी घूम लिए। वैसे आप पहले कितनी बार मंदिर गए हो? मंदिर तो हम शुरू से जाते रहे हैं। कितना झूठ बोल रहे हैं। आपकी बहन जो वर्षा है ना, वो बता रही थी हमें कि भैया पहले बिल्कुल भी मंदिर नहीं जाते थे, आप जब से आई तो पूजा पाठ भी करने लगे हैं। वर्षा से बोल रही थी। वर्षा से बात करते हैं हम, कैसी बहन है, ये भाई का भेद खोल देती है। सच बताइए जी। हो गई हमारी पूजा और प्रसाद भी चढ़ा लिया, और अब चलते हैं, चलकर प्रसाद कभी खाएंगे, घर पहुँच कर खाते हैं प्रसाद। और ये आ गया हमारा मसाला डोसा, जिया खा रही है मजे में, खूब भूख लगी है इसको। सुबह से कुछ नहीं खाया। और जी हम लोग पेट पूजा करने के बाद आ गए फूल लेने। हाँ जी, जिया को फूल इतना पसंद है, अगर बस चले तो मेरा पूरा छत या पौधा से भर दे, लेकिन दिक्कत है मिट्टी का, कि मिट्टी कहाँ से लाएंगे। मिट्टी है ही नहीं ज्यादा, नहीं तो हम पूरा छत पे फूल से भर देते, हमें बहुत ज्यादा पसंद है फूल। हाँ जी, हम सोच रहे हैं क्या एक बार एक टेलर पूरा मिट्टी ले आते हैं, या अपना आराम से फूल लगाए। ले लो जो तुमको अच्छा लगे। किस चीज का? ये गुलदावरी है। ले लो। गुलाब कितने कलर का आपके पास? कलर मेरे पास होगा 4-5 कलर होगा आपको। गेंदा तो है ना पहले से? ये जिया ने इतने सारे फूल ले लिए हैं, और भी लेना है। ये ले लो। जिया ने एक और फूल ले लिया है, चलिए गुलदावती। हाँ, ये गुलदावती है, गेंदा है, और गेंदा कौन सा वाला? ये वाला, वो वाला। अब ये इतना सारा फूल तो ले तो ली है, हम लेके चले जाएंगे, उठा लेगी, उंगली टूट जाएगा तुम्हारा, इतना भारी है। भारी तो है। अच्छा लो, तुम यहीं रुको, हम बाइक लेकर के आते हैं। ठीक है, यहाँ रखे, रख लो, चलो लो। आ गया, आ गया।
पीछे से आप? ठीक है, आ रहे हैं पीछे से। आप कुछ भी बताओ। नहीं नहीं नहीं, ठीक है, आप चलिए हमारे पीछे से। A few moments later. आ गया हमारा सारा फूल घर, और ये मैडम को फूल लगाना था आज, पूरा ड्यूटी यही फूल लगाने का लगेगा इसका। बहुत बढ़िया, आप हमें गिफ्ट में दिए थे फूल, हम अपने देवर जी के बर्थडे में गिफ्ट में बहुत सारा फूल का बर्थडे में कितना लगाई थी, कुछ कुछ सूख भी गया ना। सब में लगा, अब ये भी तो सूखेगा। क्यों सूखेगा, ये लगा हुआ है। मैं सूखेगा तो निकाल के उसमें डाल दे। हमारा व्लॉग बस अपलोड ही होने वाला है, लग गया व्लॉग अपलोड में। और इधर आते हैं किचन और देखते हैं जिया क्या बना रही है। हमारे भाई का जन्मदिन है और इधर हम लोग भी जश्न मना रहे हैं। हाँ, क्योंकि मेरे देवर जी को चिली पनीर बहुत ज्यादा पसंद है। एक बार क्या हुआ था, जब हम आए थे शादी के टाइम ही, अच्छा चंडीगढ़ चले गए थे। हाँ, चिली पनीर उतना मतलब आता ही नहीं था खाना बनाने, तो बोले भाभी आज हम आपको चिली पनीर बना के खिलाते हैं। बोले ठीक है बनाइए। अच्छा, बनाया था, बहुत ही अच्छा बनाया था। फिर दूसरे दिन को 7 या 8 दिन के बाद फिर डैडी लेके आए और बोले चिली पनीर बनाओ। गए पूछने के लिए कैसे बनाए थे, खा रहे थे, जैसे बताते हैं ठीक, हम चाहते हैं अपने बनाए। अच्छा, तो हम आ गए अपने बनाने के लिए, हम देखे थे कैसे कैसे बनाया, तो बनाए खा लिए। बना तो ठीक है लेकिन मेरे से ज्यादा टेस्ट नहीं है। अच्छा, हमारी भाई चिली पनीर और हमारी पत्नी महारानी की कहानी, इसलिए हम सोचे आज चिली पनीर ही बनाएंगे। इनको ज्यादा चिली पनीर पसंद नहीं है लेकिन हम फिर भी बनाएंगे। हमें जाते कैसा पनीर अच्छा लगता है ज्यादा, उसमें मतलब पनीर हो, आलू हो, मटर हो, मतलब आलू होना चाहिए तब। आलू हो तो ज्यादा मजा आता है। आज हम बनाएंगे एकदम सिंपल सा चिली पनीर। उसमें डाल दिए कढ़ाई में तेल और पनीर को कर लेंगे फ्राई। ये मेरा पनीर फ्राई हो गया है, उसमें डाल देंगे बचे हुए तेल में ही डाल देंगे प्याज। प्याज को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, उसमें फिर डाल देंगे लहसुन और अदरक और थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हो गया। फिर हम डाल देंगे इसमें शिमला मिर्च, टमाटर, हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, फिर नमक स्वाद अनुसार आप नमक डाल दो। फिर हल्का सा फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं करना है, 100% नहीं पकाना है। फिर हम डाल देंगे इसमें पनीर और थोड़ा सा नमक कम हो गया था इस वजह से ऊपर से थोड़ा सा नमक हम उसमें मिला रहे हैं। और ये देखिए मैं अपन के तैयार हो गया, एकदम सिंपल सा बनाए हैं, ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं। पराठा बन रहा है, साथ में ये हमारा चिली पनीर तैयार है और खीर। वही हम पूछने वाले थे, इसमें ग्रेवी नहीं है, कुछ तो गीला होना चाहिए, तो ये सेवई मिल गया है, अच्छी बात है। कुछ आपके पसंद का बना है? हाँ, कुछ जिनका बर्थडे है उनके पसंद का बना, बहुत अच्छा। वो यहाँ नहीं है, कोई बात नहीं, हम खा लेंगे, किसी के भी पसंद का बनाओ, हम खा लेंगे। बहुत ही अच्छी बात है। तो ये लग गया है हमारे डैडी का खाना। अच्छा, एक और पराठा है, दे दो ये पराठा। Tomorrow. और जी हमें देवर जी के लिए कुछ कपड़े भी लेने थे, तो सोचे कि उस दिन बहुत लेट हो चुका था तो इस वजह से हम लोग घर चले आए। फिर दूसरे दिन हम आए हैं मॉल और देख सकते हैं आप यहाँ हम लोग क्या क्या खरीद रहे हैं। क्या चीज? कैसा है फिर? पसंद आ जाएगा बता देना, हम यहीं पर हैं। तो जिया को यहाँ पर कुछ पसंद नहीं आया, तो आया कुछ पसंद? ये ले लो कंबल है, कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ रुकी क्यों है? आप पसंद वैसे भी लगता नहीं करने दोगे। कर कहाँ रही है पसंद, तब से तो हम वही देख रहे हैं कब पसंद करेगी। हमको यहाँ नहीं लेना, हमको जहाँ लेना है वहाँ चलो। घर में नहीं है गैस सस्पेंड? टूटने वाला है। कौन टूटने वाला है? कोई बात है, टूट जाएगा तब ले लेना। तो मेरा अच्छा खासा समय बर्बाद करके अब दूसरे जगह चल रही है जी। अभी हम आए हुए हैं, पहले जहाँ थे जिया को कुछ पसंद नहीं आया तो अलग जगह आ गए खरीदने।
यहाँ कुछ है क्या पसंद? आपके लिए लेना। चलो चलो। हाँ, क्या फिर से रेड कलर का लेना है क्या? रेड कलर का ही लेना। बहुत बढ़िया हो गया आप। ये सब देख रहा हूँ। वही ब्लैक वाला ज्यादा अच्छा। ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैप भी, ये भी अच्छा लग रहा है। देख दोनों ले लो आप। कौन सा? सबसे मस्त तो व्हाइट वाला लगा। डांस कर लो थोड़ा। जाओ जी, हमारी हो गई खरीदारी। ये देखिए भारी भी है? नहीं नहीं है भारी। कोई बात नहीं, मतलब ज्यादा सामान नहीं खरीदे। बहुत खरीदे आए थे मेरे देवर जी का शॉपिंग करने के लिए, उनके लिए तो किए ही, अपने लिए भी बहुत सारा करके जा रहे। ले लो जो भी लेना है ले लो। ये हम चल रहे थे अजिया को, पीछे बेकरी का दुकान मिल गया, तब कहे रुक जाओ, हम कहे चलो चल रुक जाओ, ले ली अपना सामान, अब चलते हैं घर। हम ज्यादा यही खाएंगे। अच्छा नाम लगा रहे कि जिया पलर बिकी है। तो खरीदी तो मैंने, तो नाम किसका लगेगा? खाने वाला के थोड़ी नाम लग।